लेटर नहीं आया ना। दीदी की बुक्स आई हैं। जैस्मीन तेरी बुक्स आ गई हैं। पानी की बोतल ले ली है। मैं कब कहा मैं पानी की बोतल ले रहा हूँ। क्या करने लगा? जिम्मेदारी वाली काम है वो आप करें। क्या दिमाग खराब है? ये नहीं कट करना। तो ये केक मैंने रेडी कर दिया है, इसकी आइसिंग करनी अभी बाकी है। इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी पिक्चर शेयर की थी, तो आप सब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूं। तो अभी मैं जा रही हूं और शाम को आके मैं इसकी आइसिंग करूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे बनता है चॉकलेट केक। और ये बिना ओवन के और बिना माइक्रोवेव के बनाया है। तुम्हारा मास्क तुम्हारे पास है? तेरा मास्क कहाँ? मेरा भी ले ले यार, मुझे पिंक ही नहीं पहनना, मेरे पास सिर्फ पिंक मास्क है। अब तुम्हारी बुक्स आ गई हैं, अब तुम पढ़ना शुरू कर सकती हो। से हाय जैस्मिन। हाय। भूल गई हाय बोलना? हाय। मैं जा रही हूँ और मेरे आने से पहले सारा काम करके रखना। ऐसे कर लिया जैसे पढ़ना पड़ेगा तो जान निकल जाएगी, आवाज़ बहुत स्लो हो गई। हाँ अब बुक्स आ गई हैं, पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोर्स वाले भी बोलते ना ऐसे। कोर्स वालों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो 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 चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं नर्सरी कुछ प्लांट्स देखने के लिए। मेरे कुछ बालकनी के लिए प्लांट्स मुझे देखने हैं और मुझे कुछ इंडोर प्लांट्स भी देखने हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि बालकनी गार्डन बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और वो कितना टाइम लेता है बनने में वो हम देखेंगे, लेकिन मैं पूरा गार्डन रेडी होने के बाद ही आपको उसका व्यू दूंगी। तो अभी हम प्लांट्स लेने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से मुझे कुलदीप जी बोल रहे हैं कि मैं तुझे अच्छे प्लांट्स दिलाऊंगा, पूरी 8-10 नर्सरी तुझे घुमाऊंगा, तो आराम से शॉपिंग करियो। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी भी देखिए आप वेदर कितना गर्म है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन जो काम करना है वो तो करना है। तो केक मैं रेडी करके आई हूँ, मैंने आपको दिखा दिया, जाके हम उसकी आइसिंग करेंगे और साथ में बनाएंगे आज शाम को टी स्नैक में पोहा, अगर हम टी टाइम तक वापस आ गए तो। और साथ ही बनाऊंगी डिनर में। आज मेरा मेन्यू है पनीर बटर मसाला। पुलिस आने की वेट कर रहा है मास्क पहनने के लिए। पाम ट्री स्नेक प्लांट रबर प्लांट बोनसाई और हैंगिंग प्लांट्स वो लेने हैं। पाम ट्री तो मैं 3 लेके आई थी, स्टफी ने एक भी नहीं छोड़ा, सारे तोड़ दिए, अब मैं इसीलिए अंदर लगाऊंगी उनको। नर्सरी लेके आए मुझे कह रहे कि यहाँ पे नर्सरी थी वो भी बंद होगी, वहाँ पे नर्सरी थी वो भी बंद होगी। कुछ नहीं है, वो वास बन रहे हैं वहाँ पे, कोई नर्सरी नहीं है। पता चला कि हम चंडीगढ़ की सड़कें घूम के वापस चले गए, लिया कुछ नहीं। कभी नर्सरी बंद है, कभी रास्ता बंद है, आज नहीं हमें प्लांट्स मिलने वाले, ये रास्ता ही बंद है। यहाँ से घूम के चलो, इधर से रॉन्ग साइड है, वो बंद है देख सारा। तो चलो हम इतनी गर्मी में निकले भी और वापस खाली हाथ जा रहे हैं। तुम्हें वहीं से लेने पड़ेंगे प्लांट्स जहाँ से मैं तुम्हें बोल रही थी, खाम खा तुम इतनी दूर आए हो। ये है सेक्टर 38 का पार्क, देखो सारा बंद है, कुछ खुला नहीं है कहीं पे। अरे यार तो सारी सड़कें बंद कर रखी है उन्होंने नर्सरी जाने के लिए। कला केंद्र, ये है महर्षि वाल्मीकि शक्ति पीठ। ये लोग गए हैं अब चेक करने, शायद ये नर्सरी ओपन है। खाली हाथ वापस आ रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला, खाली गार्डन है वो, तुम कह रहे थे नर्सरी है। अरे नहीं गार्डन नहीं है, नर्सरी है, वो सरकारी है ये। मिल्की वे में है ना हम लोग गैलेक्सी में, तो उनका कहना है कि जिस गैलेक्सी में हम हैं सिर्फ उसी के अंदर हमारे अलावा 30 से ज्यादा और सिविलाइजेशन हो सकती है हमारी जैसी, पर हम ये कभी जान नहीं पाएंगे क्योंकि हम उतना दूर कभी अर्थ से जाएंगे। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है ना, काफी बड़ा लगता है देखने में, ये बड़ा इतना बड़ा है नहीं, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है एक बड़ी गैलेक्सी का। गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल होता है, ठीक है, और करोड़ों ब्लैक होल होते, मतलब करोड़ों गैलेक्सीज हैं, पर जिस गैलेक्सी में हम हैं सिर्फ उसके अंदर ही 30 से ज्यादा और सिविलाइजेशंस होंगी हमारी जैसी। ऐसा भी हो सकता है कि हम जो ह्यूमंस हैं हम किसी एलियन का सॉफ्टवेयर, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं कि वो हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि ह्यूमंस कैसे रिएक्ट करते हैं। सिविलाइजेशन नहीं ढूंढी हमने, बट एक बिल्कुल हमारी जैसी एक और अर्थ ढूंढी है हमने, KP-130 ऐसा कुछ नाम है उसके बाद। लाइफ अभी तक पता नहीं लगता, साइंटिस्ट का ये कहना रहा है
कि चाहे एलियन लाइफ हो या ना हो, अगर वो हमसे मिलने आए तो वो अच्छी बात नहीं होगी। अगर वो हमारे तक पहुंच सकते हैं, हमसे मिलने आ सकते हैं, तो आप समझ लो कि उनकी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा डेवलप है। हाँ, सही है। क्रिप्टोनाइट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम करते हैं 1967 का एक किडनी कैंसर हुआ था एक बंदे को, क्या करा उसने अपनी बॉडी को फ्रीज कर लिया, इलाज मिल जाएगा किडनी कैंसर का तो मुझे जगा देना बर्फ से। माय गॉड, नहीं ये वो बंदा पड़ा हुआ है अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और 400 लोग और हैं उसके अलावा, यानी कि वो 53 इयर्स से फ्रोजन है, डेड नहीं है, वो जिंदा फ्रीज करा। तो जिंदा फ्रीज करे तो बंदे मर जाते हैं, कैसे मर जाएंगे? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एक सेकंड में रिएक्ट करती है बॉडी, लिक्विड नाइट्रोजन -273 डिग्रीज, आपको पता में लगेगा एकदम से फ्रीज हो जाएगी आपकी बॉडी। और करना भी कैसे है, वो 273 डिग्रीज को सीधा वापस जीरो पर लेकर आना है एक सेकंड के अंदर, टेम्परेचर एकदम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने, क्योंकि उसके ब्लड सेल्स जो है वो जम चुके हैं, वो बहुत तीखे हैं, और अगर वो स्लोली टेम्परेचर को रिमूव करेंगे तो ब्लड सेल्स जो वो मूव करना शुरू करेंगे, और उन पर बर्फ होगी, वो मूव करेंगे, तीखे ब्लड सेल्स मूव करेंगे और आपकी वेन्स को फाड़ देंगे, मजा आएगा आपको। सही बात, इसलिए हमें एक सेकंड में उसे चेंज करना है। बड़े सुंदर है ना ये। क्या नाम बताया इनका? स्फेरा क्रॉसिस थुरिंगरी। पर ये लगते बड़े प्यारे हैं। वो वाला हमारे वाले में जो वास है, जो मेरे पास उसमें नहीं लगाना, वो बड़े में लगाएंगे। अभी फिलहाल तो तू ये देख ही लेना कौन सा। जब गोबर के जिन बढ़िया है ये सही। तीन कर, ऐसा करो अगर आप 5 ही कर, 10 ये ले लेते हैं। आम का पेड़ मिल जाएगा भैया, फल लगा हुआ है यार, वो ले लेते हैं आम का पेड़। मम्मा बड़ा कर रहे हैं। अमरपाली है कलकत्ता। तो अभी हम यहाँ पे खड़े खड़े सन बाथ ले रहे हैं, क्योंकि हमारे प्लांट्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, मतलब पैक किए जा रहे हैं। उधर ने ले लिया है अपनी पसंद का बॉन्ज़ाय, पहले भी लिया था पर खराब कर दिया मैंने, नहीं खराब करा, उसकी केयर नहीं की। ये भी सरासर झूठ है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था इसलिए उस बॉन्ज़ाय को किसी ने पानी दिया, इसमें आप लोगों की गलती है। इतने में खराब नहीं होता बेटा, 10 दिन के लिए गए। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ। ये भी एक एक्सपीरियंस था कि वो खराब हो गया, तो अब अगर एक बार खराब हो गया है तो नेक्स्ट टाइम से वो ज्यादा केयर करेगा। ऐसे बाड़ लगाऊंगी मैं वेजिटेबल गार्डन में, कफी चला जाता है सब्जियों के पास तो फिर वहां जाके वो गंद मचाता है, तो मैं नहीं चाहती कि वहां पे वो जाए, इसलिए मैंने ये बाड़ पूरी ले ली है। तो वेजिटेबल गार्डन और दूसरे वाले गार्डन को मैं दोनों को सेपरेट कर दूंगी। इन पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, इन पे जो प्लांट्स लगा दिए थे वो लगा दिए थे, लेकिन अब मेरे को बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को नए नए प्लांट्स लगाने का। मैं बात कर रही हूँ, प्रोटेक्शन प्लीज़ गो, आप लोग भी अपने घर में रहें, सेफ रहें और बाहर का खाना ना खाएं जो कि हम खा रहे हैं बिल्कुल, और जो कि हम खा रहे हैं लेकिन आप ना खाएं हैं। देने अपना बॉन्ज़ाय अपने साथ रख लिया कि अपनी सीट पे रखूंगा अपने साथ। क्या साइज है इसका? 12-14 ये खुला हो जाएगा ये। अडेनियम जरा इसमें कहाँ लगेगा, इसमें लग जाएगा अडेनियम? अडेनियम इसमें भी लगा सकते हो, चेक कर लिए। अच्छा। तो घर पहुंचते ही सबसे पहले हमने प्लांट्स निकाले और आते ही मैंने उन्हें पानी दिया, क्योंकि जहां से हम लेके आए थे ऐसा करने के लिए उन्होंने ही हमें कहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वैसे भी प्लांट्स की जगह चेंज हुई है, आते ही उन्हें पानी देना ज़रूरी था। तो चलिए अब मैं फ्रेश हो लेती हूँ और आप देख लीजिए उस केक की रेसिपी जो जाने से पहले मैं बना के गई थी। क्योंकि इस केक को हम ओवन या माइक्रोवेव में नहीं बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई हैवी बेस्ड बर्तन चाहिए होगा, जैसे ये कुकर होता है इसमें आप बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा केक टिन इसमें फिट नहीं आता है तो मैंने ली है यहाँ पे कढ़ाई। थोड़ा सा सॉल्ट इसमें डालेंगे, एक बर्तन रख देंगे और साथ ही इसके लिड होल को मैंने कवर कर दिया है आटे के साथ ताकि स्टीम बाहर ना जाए, और 15 मिनट लो फ्लेम पे हम इसको हीट करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले हम छान लेंगे। तो 1.5 कप लिया है मैंने मैदा और 1 कप लिया है पाउडर शुगर, 4 टेबलस्पून लिया है कोको पाउडर, 1 पिंच सॉल्ट, 1 टीस्पून डाला है बेकिंग सोडा। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको अच्छे से छान लेना है। सारी चीज़ों को ही छान लेना बहुत ज़रूरी है, इस स्टेप को आप स्किप मत कीजिएगा।
उसके बाद अलग से एक बॉल में हम लेंगे 1 कप मिल्क और 1/4 कप ऑयल या देसी घी, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें वनीला एसेंस और 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर। विस्कर की हेल्प से एक बार इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद स्लोली स्लोली ड्राई मिक्सचर भी हम इसमें डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसे आपको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है और बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्ब्स ना रहे। ये केक बनाना सचमुच बहुत इजी है और एक बार इसे आप बनाएंगे तो दोबारा चॉकलेट केक आप मार्केट से नहीं लेके आएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसे केक जैसा ही होता है। बैटर हमारा रेडी है। अब टिन पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और साथ ही उसमें डाल दिया है बटर पेपर ताकि ये केक इसके साथ चिपके नहीं। और इसमें डाल देंगे हम केक का बैटर और इसे अच्छे से हम सेट कर देंगे और साथ ही इसको करेंगे थोड़ा सा टैप ताकि इसमें बबल्स ना बने। तो बस इतना सा ही काम था और बर्तन भी हमारा हीटअप हो गया है। इसमें रख देते हैं हम केक टिन और कवर कर देंगे इसको। 20 से 25 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे हमने इसी तरह से पकाना है। 25 मिनट हो चुके हैं तो चलिए इसे चेक करते हैं। चेक करने के लिए आप किसी नाइफ या फोक की हेल्प भी ले सकते हैं। तो मेरी वुडन स्टिक बिल्कुल क्लीन आई थी तो केक बन चुका है। आइसिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून होममेड बटर लिया है, आप चाहें तो मार्केट का बटर भी ले सकते हैं। 1/2 कप लिया है कोको पाउडर, 1/4 कप डाला है इसमें पाउडर शुगर, थोड़ा सा डाला है वनीला एसेंस। बहुत धीरे धीरे हम इसमें 4 टेबलस्पून मिल्क डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमारे पास चॉकलेट आइसिंग रेडी हो गई है। केक ठंडा हो जाए तो नाइफ की हेल्प से उसके किनारे छुड़ा लें और उसे पलट दें किसी प्लेट में, साथ ही उसका बटर पेपर निकाल दें और आपके पास बहुत ही डिलीशियस और ब्यूटीफुल केक रेडी है। इस वक्त मेरे पास आइसिंग करने का टाइम नहीं था तो इसीलिए मैंने इसकी आइसिंग शाम को की थी। तो आप लोग देख चुके हैं केक की रेसिपी और मैं भी फ्रेश होके आ गई हूँ। चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद चलेंगे स्टफ़ी को वॉक पे लेके। पीनट वाले पोहे की रिक्वेस्ट थी लेकिन उसकी रेसिपी मैं आपको फिर किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि आज की शाम स्नैक्स बनाने के लिए टाइम नहीं बचा। घूमी घूमी चले पहनो जल्दी, शाबाश। कितनी स्पीड से भागा है ये, पता कहता मैं पीछे रह गया, ये वॉक में निकल गए। 2 घंटे का काम 4 घंटे में हुआ। कल तो मैं नर्सरीज ही नहीं मिल रही थी। ऑर्चिड्स मैं जरूर भूल गई हूँ, बट नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी तो मैं ऑर्चिड्स जरूर पता करूंगी। वापिस आओ, ये देखो भाई मत भोंको, हमारे वाला कुत्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और बॉक्स से आने के बाद स्टफी की ये कंडीशन हो जाती है। अब ये दोनों अपना बैठेंगे, खेलेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन मैं चली जाती हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। Of a lot of fun which you will see in an upcoming project, very exciting, stay tuned। बटर पनीर मसाला बनाने के लिए पैन में कोई भी ऑयल नहीं डालना है। मैंने प्याज डाला है, हरी मिर्च डाली है और साथ ही डाला है थोड़ा सा अदरक, लहसुन डाल देंगे थोड़ा सा, साथ ही काजू डाले हैं मैंने। ऑयल की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन उसके पहले हम डालेंगे इसमें कटे हुए टमाटर। टमाटर में खुद भी बहुत पानी होता है, साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है, थोड़ी सी डाली है देगी मिर्च कलर के लिए, पानी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है और कवर करके इसको हम 15 मिनट पकने देंगे। 15 मिनट इसके पकने की वेट करने की बजाय चलिए केक की आइसिंग कर लेते हैं। तो सिरप बनाएंगे, सबसे पहले थोड़ा सा कॉफ़ी डाली है मैंने, पाउडर शुगर डाला है 2 चम्मच और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर देंगे। और उसके बाद केक को हमने सेंटर में से कट कर लेना है, यानी कि इसकी डबल लेयर हमें चाहिए। और उसके बाद वो सिरप जो हमने बनाया है उसके ऊपर पोर कर देंगे। आप चाहें तो जूस का यूज़ भी कर सकते हैं या सिंपल पानी में शुगर ऐड करके भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सब तरफ हमने इसको अच्छे से अप्लाई करना है, क्योंकि सिरप का यूज़ करने से केक में काफ़ी जूसी फ्लेवर आता है। किचन में मुझे गर्मी लग रही है तो चलिए डाइनिंग टेबल पर चलते हैं, वहीं जाके इसकी आइसिंग करेंगे। तो अब जो हमने आइसिंग रेडी की है चॉकलेट आइसिंग, इसके ऊपर हम पोर करते जाएंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड करते जाएंगे। इसकी आइसिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम इसकी दूसरी लेयर रख के उसके ऊपर भी पहले हम वो सिरप अप्लाई करेंगे, देन हम चॉकलेट आइसिंग अप्लाई करेंगे और अच्छे से केक के ऊपर और साइड्स में लगा देंगे। होममेड केक है, अगर प्रेजेंटेशन में कुछ कमी भी रह जाए तो चलता है, हमने खुद ही खाना है, लेकिन टेस्ट सेम मार्केट जैसे केक का था।
और इधर टमाटर भी गल चुके हैं तो इन्हें हम उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। अब आप केक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर काजू पाउडर लगाया है, देन इसके ऊपर ओरियो बिस्किट्स लगा दिए हैं। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं या फिर इसके ऊपर जैम्स भी लगा सकते हैं। केक तो रेडी हो गया है, साथ ही मसाला ठंडा हो गया है तो इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और उसके बाद कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, साथ ही उसमें डाला है मैंने 1 स्पून होममेड बटर, धनिया पाउडर ऐड किया है, रेड चिली पाउडर डाला है, कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ी सी छोटी इलायची डालेंगे और साथ ही डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। 15 से 20 सेकेंड इसे पकने दें और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम वो प्याज टमाटर का पेस्ट जो हमने ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा पानी इसमें, 5 से 7 मिनट इसे और हम पकाएंगे। उसके बाद जब आप लिड हटाएंगे तो कसूरी मेथी की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आपको आ रही होगी। और उसके बाद इसमें डाल देंगे कटे हुए पनीर के पीसेस, साथ ही डाल देंगे क्रीम या मलाई, कुछ भी आप डाल सकते हैं। उसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए, पनीर बटर मसाला रेडी है। उसके बाद मैं चपातियाँ बना रही थी और जैस्मिन सबको सर्व कर रही थी, कुलदीप जी अभी काम कर रहे थे और उसके बाद फिर हमने भी खाना खाया। और ये इवनिंग बहुत ही बिजी इवनिंग थी, लेकिन आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। हाउ इज इट? चपू को आना है, पापा सो गए हैं, चलो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, शाबाश, ऊपर जाओ, गुड बॉय, गुड बॉय।